सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन द वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया एक ब्रांड न्यू पेपर गेम जो कि है पोकेमॉन का पार्ट टू पेपर गेम। यहाँ पर है मेरे पास पोकेमॉन का पार्ट वन। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए इसका वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर अभी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर है मेरे पास पोकेमॉन का नया पेपर गेम जो कि है वर्जन 2 ऑफ पोकेमॉन द जर्नी कंटिन्यूज पेपर गेम। सो अंदर में जाते हुए हमें मिल जाता है 3 स्टार्टर्स का इमेजेस जो कि है चिकोरिटा, सिंडकविल एंड टोटोडाइल। और इसके अंदर हमें मिल जाता है एक पेज जहाँ पे दिया हुआ है अपीयरेंस ऑफ पोकेमॉन इन बैटल एरिया, जो कि ये फर्स्ट वर्जन में भी था। और यहाँ पर लेवल अप भी दिया हुआ है कि कौन से लेवल में आपको कितने हार्ट्स मिलेंगे पोकेमॉन के। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपको गेम के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी के बेसिस पे आपका पोकेमॉन कितना हेल्थ पे रहेगा, आप कितने हेल्थ में उसको कैच करेंगे, वो सब चलेगा। यहाँ पे एक नया चीज़ जो इंट्रोड्यूस्ड है ये गेम में, वो की है मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर में आप क्या करेंगे कि आपका फ्रेंड आके इसमें खेल सकता है, दोनों आप चैलेंज लगा सकते हैं कि इसका बैटल ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा जिम बैचेस कलेक्ट कर रहा है, और आप एक दूसरे को चैलेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ पेपर गेम्स आर ऑफिशियल, दे आर मेड फॉर क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट पर्पस, दीज कैरेक्टर्स एंड नेम आर नॉट माइन। यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है कि हर बैटल एरिया का पोकेमॉन लेवल 20 का है, अपीयरेंस एक पैटर्न में होगा। यहाँ पर हमारे पास है जो मेन बोर्ड जहाँ पर आपको मिल जाता है पहले प्रोफेसर्स लैब, फिर है पोकेमॉन सेंटर एंड पोकेमार्ट। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर एनिमीज बिल्डिंग, ये थर्ड जिम में जाने से पहले आपको यहाँ पर बैटल करके जाना पड़ेगा। फिर जिम 3 ऊपर में हमारे पास, नीचे में हमारे पास है सबसे पहले जिम 1, फिर है बैटल एरिया, फिर है जिम 2, फिर जिम 4। देख लीजिए यहाँ पे टाइप फ्लाइंग है, टाइप बग है, टाइप नॉर्मल है और टाइप गोस्ट है। इसके पोकेमॉन ऐसे रहेंगे, आप उन सबको नोट कर लीजिए और उसी से आपका बैटल होगा, जिसको भी आप स्टार्टर में चूज़ करेंगे, या तो आप बैटल एरिया में अपने पोकेमॉन कैच कर सकते हैं, उन्हीं से आप इन सबसे बैटल करेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास दिया हुआ है लीग, लीग में आप नहीं तो कोई भी बैटल में आप 6 पोकेमॉन से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। लीग में हमारे पास है कुछ पोकेमॉन जो कि है स्लो पोक, हॉपहिप, फिर क्वैगसायर, स्पिनरैक, नॉकटाउल और ड्रैगोनाइट। ये पोकेमॉन से आपका बैटल होगा गेम के एंड में। और अगर आप सारे जिम बैजेस कलेक्ट कर लेते हैं तभी जाके आप लीग में फ़ाइट कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लेयर में ऐसे एज ए चैलेंज कर सकते हैं, कौन सबसे पहले लीग तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कौन से लेवल में कितना हार्ट्स है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं निकालता हूँ हाउ टू प्ले। यहाँ पे दिया हुआ है चूज़ योर स्टार्टर पोकेमॉन, यू विल गेट 2 पोकेबॉल्स फ्रॉम ओक स्लैब, रजिस्टर योर सेल्फ इन पोकेमॉन सेंटर, फाइट विद जिम लीडर्स टू गेट बैज, कलेक्ट 4 बैजेस टू फाइट इन द लीग, यू कैन बाय आइटम्स इन द पोकेमॉन मार्ट, You can reduce your, restore your Pokemon health in Pokemon Center. At first, you will get 500 coins. You will get 1,000 coins on winning a gym battle and 200 coins on defeating a wild Pokemon. You can catch up to 5 Pokemons only, and the 6th Pokemon of yours will be your starter Pokemon. To move in town, you have to roll dice, and if you get 1, 3, 4, 6, then move one step. While fighting, roll dice for both yourself and for your opponent. The one who gets greater will attack first. Choose one attack from your attack list. Attack list में आपको दो parts मिलेंगे, points और attack. P means point needed in dice and A means attack on opponent. Once the first player has attacked, the opponent can attack. Next, there will be an order of Pokemon appearance in the battle area. The Pokemons will have different health at different levels. To catch a Pokemon, you need to decrease its health under 20 and then use a Pokeball. Pokemon will level up by 1 on winning a battle. ये सब आपको रूल्स ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ है कि मल्टीप्लेयर में आपको 500 कॉइन्स मिलेगा अगर आप किसी को डिफीट करते हैं मल्टीप्लेयर में, जो कि यहाँ पर नहीं एडेड है। यहाँ पर सिर्फ जिम बैटल और वाइल्ड पोकेमॉन का बैटल दिया हुआ है। और मल्टीप्लेयर अभी तक सिर्फ ये वर्जन में सिर्फ 2 प्लेयर का है, आप एक और एक आपका ओपोनेंट, आप एक्स्ट्रा 3-4 प्लेयर्स का नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पोकेमॉन विल लेवल अप बाय 1 ऑन विनिंग अ बैटल।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दो चीज़ जो कि है प्लेयर कार्ड और पोकेमार्ट। प्लेयर कार्ड में आपको सबसे पहले दिखता है नेम, स्टार्टर पोकेमॉन, नंबर ऑफ बैजेस वन एंड प्लेयर नंबर। यहाँ पर अंदर पोकेमॉन्स, यहाँ पर आप अपने पोकेमॉन का नाम लिख सकते हैं, कौन सा पोकेमॉन आपके पास, कितने पैसे हैं आपके पास, किस में जीतना है आपने, वो आप यहाँ पर मनी में मेंशन कर सकते हैं। आइटम्स, क्या क्या आइटम्स हैं आपके पास, कितने क्वांटिटी में है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इस प्लेयर कार्ड में। सो अभी है हमारे पास नेक्स्ट पोकेमार्ट। यहाँ पर आपको दिख जाता है सबसे पहले हीलिंग आइटम्स। इन सबको आप ख़रीद के बैटल के दौरान अगर आपका पोकेमॉन हेल्थ कम जाता है उसका, तो आप इसको यूज़ करके उसका हेल्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पोकेबॉल्स। पोकेबॉल कैचेस पोकेमॉन ओनली व्हेन इट रीचेस अंडर 20 हेल्थ। अल्ट्रा बॉल कैचेस पोकेमॉन ओनली व्हेन इट रीचेस हाफ हेल्थ। मास्टर बॉल कैचेस अ पोकेमॉन विद फुल हेल्थ। वीकनिंग आइटम्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हो अपोनेंट के ऊपर उसका हेल्थ डिक्रीज करने के लिए, जिससे आपका बैटल ईजी हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है जो पोकेमॉन के कार्ड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। इन सब का स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए ताकि ये आपके लिए इजी होगा। तो इस गेम में एक चीज़ है कि सिर्फ स्टार्टर पोकेमोन से इवॉल्व कर सकते हैं, बाकी सारे पोकेमोन अपने नॉर्मल स्टेट में रहेंगे। जिस स्टेट में उनका नाम मेंशन किया गया, बस उनका लेवल अप होगा और उनका हेल्थ राइज करेगा, पर वो इवॉल्व नहीं करेंगे इस गेम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।